गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द स्पेस ऑफ निनाद। फिर से बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ। सो पिछले वीडियो में मुंबई शेवपुरी और पानीपुरी को एक्सप्लोर किया था, और आज के वीडियो में एक बहुत ही फेमस गुजराती डिश को एक्सप्लोर करेंगे, जो है दाबेली। दाबेली एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जो आप सभी ने खाया होगा, देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा। बहुत ही सिंपल सी डिश होती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जिनको नहीं पता उनको पता चले, इसीलिए बता रहा हूँ। और एक बात, अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सारे वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड फिर आइए चलते हैं। और भैया ने फिर फटाफट दाबेली बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने पाव को ऐसे बीच में से कट लगाया, इतना प्रोफेशनली कर रहे थे ना, मतलब वो तो उनका रोज़ का काम है, तो हाथ को एक स्पीड भी आ जाता है। और दिल खुश एवं दाबेली, नाम याद रखिएगा। फिर उन्होंने डाला थोड़ी सी लाल चटनी, हरी चटनी, फिर थोड़े से प्याज, फिर मसाले वाले सिंगदाने, और वो दाबेली का मसाला। वो दाबेली का अंदर का मसाला फीलिंग कैसे बनता है पता नहीं, बट बड़ा टेस्टी लगता है यार वो। फिर दाबेली में फिलिंग डालने के बाद उन्होंने अभी दाबेली को शैलो फ्राई करना स्टार्ट किया, बहुत सारे बटर में। आहा, देख के बड़ा सा मुंह में पानी आ गया था, देख के इतना मज़ा आ रहा था। और आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा, हाइजीन है सारी क्वालिटी। चटनी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, सारे अंदर का फिलिंग बहुत अच्छी क्वालिटी का था, मटेरियल एवन क्वालिटी का था। और कितनी भी भीड़ हो, लाइक इससे पहले भी मैं एक दो बार यहाँ पे आया था तो मैंने देखा था, कितनी भी भीड़ हो वो क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उतनी ही परफेक्शन के साथ बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कच की, इसलिए कच्ची दाबेली बोलते हैं ना उसको। ओके, बटर दो ना। थैंक यू। तो दाबेली वाले जो भैया थे उन्होंने मुझे बोला, उनका नाम हीरा था, हीरा भैया ने मुझे बताया कि उसे कच्ची दाबेली क्यों कहा जाता है। तो दाबेली एक्चुअली एक गुजराती डिश है, जिसे गुजरात में ओरिजिनेट किया गया था, वो गुजरात में पहले बनाई गई थी, वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, इसीलिए उसे गुजरात में एक जगह है जिसे कच्छ कहा जाता है, उसे कच्ची दाबेली कहते हैं। और ये एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, मतलब बचपन में हम लोग कहते हैं कच्ची दाबेली क्योंकि उसे तवे पे सेकते हैं, फिर भी कच्ची क्यों कहते हैं। तो फिर उन्होंने मेरा डाउट जो है वो दूर किया कि वो कच्छ की फेमस डिश है, इसीलिए कच्ची दाबेली। सो फूड एक्सप्लोर करते करते हमारा नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर हो रहा है। या और मुझे आप सभी को थैंक यू भी बोलना था, आप सभी लोग हमेशा इतना प्यार देते हो, और इसी तरह देते रहिए।
एंड मैं जब भी कुछ नया करता हूँ, जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, तो आप सभी का ख्याल मुझे आता है कि लोगों को क्या पसंद आएगा क्या पसंद आएगा। स्ट्रीट फूड से सब लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उसी के ऊपर क्यों ना बनाया जाए। सो बस एक छोटी सी कोशिश है आप सभी को एंटरटेन करने की, देखिए आपको कितनी अच्छी लगती है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा आप सभी को? सो आज हमारा सेकेंड सेगमेंट था स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने का। पिछले सेगमेंट में मुंबई शिवपुरी, इसमें पानीपुरी, आज दाबेली। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए। पिछले पानीपुरी के वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, और ये जो दाबेली का शॉप आपने देखा, अगर आपको जगह अच्छी लगी होगी तो इसका एड्रेस आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिख गया होगा, वापस एक बार बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो अगर आप यही आसपास के रहते हैं तो प्लीज़ आइए, प्लीज़ विज़िट कीजिए, और मुझे नए नए आइडियाज़ देते रहिए आने वाले टॉपिक्स पर ब्लॉग बनाने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब मेरा अगला व्लॉग आएगा तो आपको इमीडिएटली उसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। यस एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, थैंक यू। अच्छा सुनिए, वीडियो देख लिया है तो अब सब्सक्राइब भी कर दो ना, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। थैंक यू।